नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश त्रिपाठी है और आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज में हमने सबसे पहले अवार्ड्स को देखा था, फिर कुछ आपके प्रमुख युद्धाभ्यास को देखा था हमने पहले पार्ट में। आज उस प्रमुख युद्धाभ्यास के आपके दूसरे पार्ट में हम और भी कुछ ऐसे युद्धाभ्यास के बारे में देखेंगे जो अभी करंट में ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं और करंट में ज़्यादा तरीके से आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन में इनकी आपके अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके इस करंट अफेयर की सीरीज के प्रमुख युद्धाभ्यास के आपके दूसरे वाले पार्ट में, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके युद्धाभ्यास के बारे में बताया जाएगा और भी आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दी जाएगी, जिससे आपके कॉम्पिटिशन में इस क्वेश्चन को लेकर के आपकी सारी डाउट्स और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो पहला जो आपका वर्ड है, ये पहला जो आपका क्या है, आपका पहला जो युद्धाभ्यास है वो है आपका दस्तलिक है आपका क्या युद्धाभ्यास। अगर इस युद्धाभ्यास के बारे में मैं बताऊं तो ध्यान रखेंगे ये बेसिकली आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला है। देखिए आपका ये लिखा भी है गया इंडिया उज्बेकिस्तान चौथे रूप का ये क्या है आपका ये आयोजित किया गया है आपका। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सेनाओं के बीच में किसके में 2022 को हुआ था, कब, अभी आपको यहां पे अगर मैं बात करूं इसका तीसरा संस्करण जो बताया जाए आपका तीसरा संस्करण आपका 2023 को हुआ था, इसके 23 के बारे में इस चीज को नोट कर लेंगे कहां हुआ था। यांगियारिक है आपका उज्बेकिस्तान में, वहां पे इस चीज का आयोजन किया गया था। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अभी आपका इसका मार्च में बताया जाए तो इस सारी चीजों को आप देखते हुए चलेंगे। 2021 में इसका रानीखेत में हुआ था, तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। ये आपका दशलिक युद्धाभ्यास है, ये आपका थोड़ा सा यहां पे इसके पहले वाले भी देखेंगे। ये आपका बेसिकली आपका अभी जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में तीसरा संस्करण जो इसका यूज किया गया है। चलिए अगर मैं बात करूं आपके दूसरे युद्धाभ्यास के बारे में, तो जो दूसरा युद्धाभ्यास है आपका ये ओरियन आपका युद्धाभ्यास है 2023, ये आपका शुरू हुआ है अभी आपका, अगर मैं बताऊं तो 5 मई 2023 अभी रिसेंटली हुआ है इसका, तो इसके बारे में अभी बताया गया है। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना, भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ था। बेसिकली एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है ये, ध्यान रखेंगे। इसकी अगर मैं बात करूं तो कहां इसका आयोजन हुआ था, यह फ्रांस के मॉन्ट डे मॉर्सन में, ध्यान रखेंगे मॉन्ट डे मॉर्सन में इसका आयोजन किया गया था। और इस वाले युद्धाभ्यास में पहली बार राफेल का यूज किया गया, जो राफेल विमान फ्रांस से खरीदा गया था उसका यहां पे यूज किया गया था, यानी उसने अपनी ताकत का परिचय दिया था। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपने दुनिया ने भी इसका दम देखा था कि राफेल का क्या दम हो सकता है और राफेल किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। चलिए, तो भारत और भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना में ओरियन युद्धाभ्यास हुआ था, यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मई 2023 में हुआ था फ्रांस के मॉन्ट डे मॉर्सन में। चलिए आगे चलते हैं, यहां बात करी जाए साइक्लोन वन की। साइक्लोन क्या है आपका, एक्सरसाइज साइक्लोन वन 2023, इसको देखेंगे आप। तो साइक्लोन वन जो 2023 है इसका आयोजन किसके किसके बीच हुआ था, तो आप देखेंगे भारत और मिस्र के स्थल सेना के बीच में, मिलिट्री, इंडिया और मिस्र आपके इनके क्या होते हैं आपके इनके मिलिट्री के बीच में किया गया था। कब, ये जनवरी 2023 में इसका हुआ था, कहां पे, राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे ये पहला संयुक्ताभ्यास है किसके बीच में, भारत और मिस्र के बीच में होने वाला पहला संयुक्ताभ्यास है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, ये आप देखेंगे। अगर मैं बताऊं इन दोनों इसका उद्देश्य क्या है, इसके इस हर किसी ना किसी युद्धाभ्यास का, किसी दो देश के बीच में अगर कोई युद्धाभ्यास होता है तो किसी ना किसी युद्धाभ्यास का कोई ना कोई जरूर उसका एक उद्देश्य होता है। कि क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है कि क्या है आपका, रक्षा सहयोग का, दोनों देश में जो रक्षा सहयोग है ना उसको बढ़ावा देना है। तो भारत में और आपके भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन वन का अभ्यास हुआ था 14 जनवरी 2023 को। चलिए यह बात करा जाए सूर्य किरण, यह तो हर साल होता है भारत और नेपाल के बीच में, यह हर साल आयोजन किया जाता है। और ये जो संस्करण था ना, ये इसका 16वां संस्करण था, यानी भारत और नेपाल के बीच में, इंडिया नेपाल, ध्यान रखेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में आपका क्या हुआ था, यह आपका हुआ था किसके बारे में, इंडिया और नेपाल के बीच में ऑपरेशन सूर्य किरण होता है, जो कौन सा संस्करण था, यह 16वां संस्करण था। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दिसंबर 2022 में आपका हुआ था,
अभी नेपाल के जगह पे, नेपाल के इसका जो लोकेशन था ना, जिस जो जगह थी यहाँ जहां आयोजित किया गया था वो सलझंडी था नेपाल के, कौन से आर्मी बैटल स्कूल, कौन सा आर्मी बैटल स्कूल था नेपाल के, कौन से जगह पे, सलझंडी नेपाल में एक जगह है, वहां पे यूज इसका क्या किया गया था, इस युद्ध का इसका युद्धाभ्यास किया गया था। अगर मैं बताऊं इसका उद्देश्य क्या है, अभी मैंने बताया हर युद्धाभ्यास का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो ऑपरेशन सूर्य किरण जो था आपका, सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास था वो था पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद निरोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता को बढ़ाना है। तो ध्यान रखना यह युद्ध जो होता है आपका प्रतिवर्ष आयोजित भी किया जाता है। चले आगे, अगर मैं नेक्स्ट आपके युद्धाभ्यास के मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में मैं बात करूं तो यह प्रस्थान सुरक्षा अभ्यास है। कौन सा एक्सरसाइज प्रस्थान, यहां पे लिखा गया है एक्सरसाइज प्रस्थान है, ये कहां है, ये नौसेना यानी इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न कमांड है ना, पूर्वी कमान जो है उसके मुख्यालय द्वारा ये आयोजित किया गया था। नेवी का, इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न कमांड है यानी क्या है आपका, ये आपका ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड कौन सा आपका, पूर्वी नौसेना कमान जो है आपका, ध्यान रखेंगे 11 अक्टूबर 2022 को चला था, ये शुरू किया गया था 11 अक्टूबर, हर छह महीने पे इस युद्ध का इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य जो है ना वो सभी समुद्री हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है, जितने समुद्र के लिए हित में यूज करने वाले जो चीज हैं उनके लिए ये क्या है आपका, एकीकृत करने का प्रयास है। इसमें ध्यान रखेंगे इसमें विभिन्न ऑयल ऑपरेटरों ONGC RIL और आपके वेदांता और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में AP समुद्री पुलिस, AP मत्स्य पालन विभाग और तटरक्षक बल ने क्या हुआ था इस युद्ध में हिस्सा लिया था। चलें आगे, अगर मैं बात करूं लॉक्ड शील्ड युद्धाभ्यास की तो ध्यान रखेंगे लॉक्ड शील्ड युद्धाभ्यास जो बेसिकली है बड़ा थोड़ा सा चर्चा में रहता है, चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये नाटो जो देश होता है, नाटो संगठन में जो देश होते हैं, नाटो पुलिस के द्वारा नाटो की जो होती है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी जो आपका होता है साइबर रक्षा अभ्यास है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो युद्ध जो ये अभ्यास होता है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ध्यान रखेंगे इस बार का जो 2023 का आयोजन किया गया है वो आपके तेलिन जो आपके एस्टोनिया में है, तेलिन एस्टोनिया में पड़ता है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है यानी साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस है। ध्यान रखेंगे इस चीज में, इस चीज के मामले में ठीक है। इसका क्या यूज है, साइबर हादसे की जटिलताओं को, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना, उसका इवैल्यूएशन करना मतलब मूल्यांकन करना और क्या करना, टीमों की योजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए फॉरेंसिक और आपका क्या है कानूनी और मीडिया चुनौतियों को हल करने की क्षमता की जांच करता है। तो इसके बारे में भी आपने देख लिया। चले नेक्स्ट में बात करूं आपका मालाबार, बहुत ही मालाबार जो पहली बात मालाबार जो करें तो ये आपका मालाबार क्या है, मालाबार जो नौसैनिक युद्धाभ्यास है आपको नौसैनिक से लग भी गया होगा, ये आपका नेवल एक्सरसाइज है यानी नौसेना के बीच में एक्सरसाइज है। ध्यान रखेंगे इसके 26वें संस्करण का आयोजन किया गया, इसका संस्करण इस समय कौन सा था, 26वां संस्करण था, कौन सा आप देख रहे हैं 2022, ये देख रहे होंगे आप इतने ज्यादा आपके युद्धपोत यहां पे आए हुए हैं। ध्यान रखेंगे सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में 1992 में शुरुआत करी गई थी, ये सबसे पहले किसमें करी गई थी, भारत और अमेरिका के ऐसे इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी क्या हो गए इसमें शामिल हो गए, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसमें शामिल हो गए, मतलब कौन से आपके, अगर कहा जाए तो भारत हो गया, भारत के साथ आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका के साथ आपका क्या हो गया जापान हो गया, जापान के साथ आपका क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अगर इस चीज को देखोगे आप तो इसमें क्या है आपका, इसमें इंडो पैसिफिक जो चीजें होती है ना यानी भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में इस चीजों को, इस अभ्यास का मेन महत्व है। ध्यान रखेंगे नौसेना में शामिल होने वाले अभ्यास हैं, बेसिकली चाइना से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अमेरिका भी इस चीज से डरा सा रहता है, इसलिए इस युद्धाभ्यास का क्या है महत्व है कि इंडो पैसिफिक जोन का ये सारी चीजें होती हैं कि आपके पैसिफिक ओशियन से भी आते हैं और इंडियन ओशियन से भी आते हैं। चलें आगे, यहां पे बात करेंगे वरुण युद्धाभ्यास, देखेंगे आप ये फ्रांस के हैं भैया, ये फ्रांस के हैं और ये आपके किसके हैं, ये यहां इंडिया के हैं। तो फ्रांस और इंडिया में क्या है,
फ्रांस और इंडिया का यह संयुक्त अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण था ये 21 नंबर का, कौन सा 21st नंबर का क्या था, ये 21st नंबर का क्या था, ये संस्करण था इसका, मतलब ये 21वें नंबर पे है इस बार का। देखेंगे कब यूज कब हुआ है आपके 2023, 16 जनवरी 2023, कहां के, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजित किया गया था, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर। चले आगे, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास की बात करूं तो भारत और इंडोनेशिया, ये आपके गरुड़ शक्ति, ये फोटो भी मैंने लगा दिया है, ये आपके इंडोनेशिया के हैं, ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बारे में मैं बताऊं तो ये आपके भारत के हो गए। इसका क्या हुआ आपके 21 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखेंगे किस कहां पर आयोजन किया गया, तो इंडोनेशिया के कहां पे, सांगाबुआना प्रशिक्षण केंद्र में, प्रशिक्षण केंद्र के कारवांग में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। कहां पे, सांगाबुआना प्रशिक्षण केंद्र आपके कारवांग में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। चले आगे, ये इसका देखेंगे आगे, गरुड़, अभी आपने देखा गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति कौन है, इंडियन आपके इंडियन आर्मी और आपके यहां पे इंडोनेशियन आर्मी के बीच में है। लेकिन अगर बात करी जाए गरुड़ युद्धाभ्यास की तो ये आपका क्या है, ये आपका एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यानी वायुसेना का एक्सरसाइज है। कहां कहां पे, ये है फ्रांस के, कहां के हैं ये, फ्रांस के, और यहां पे इंडिया, यानी इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाला वायुसेना वाला अभ्यास है ये। ये इसका 7वां संस्करण है, कौन सा संस्करण, 7th नंबर का संस्करण है, और इसका उद्देश्य क्या है, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है ये युद्धाभ्यास। कौन सा, गरुड़ युद्धाभ्यास। गरुड़ शक्ति अलग है, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, लेकिन गरुड़ युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में वायुसेना अभ्यास है। देखेंगे मोशी युद्धाभ्यास क्या है, चीन रसिया और ईरान के बीच में आयोजित होने वाला कौन सा युद्धाभ्यास है, ये आपका मोशी है। कब आयोजन हुआ था, अभी इसी समय 2022 में, कब 2022 में आपका क्या हुआ था, 2022 में 27 और 30 दिसंबर तक चला था ये। किस चीज के लिए है, इसमें आपके 14 युद्ध पोतों ने हिस्सा लिया था, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। चलिए अगर मैं बात करूं काजिंद की, काजिंद से नाम है, काजिंद क से कजाकिस्तान और हिंद से आपका हिंदुस्तान, यानी भारत और कजाकिस्तान के मध्य होने वाला क्या है ये एक युद्धाभ्यास है। कौन सा संस्करण था, यानी ये आपके कजाकिस्तान, ये आपके इंडिया, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होने वाला ये युद्धाभ्यास है। देख लेंगे इस चीज को, इस चीज के बारे में, ये क्या है आपका, ये 6ठे नंबर का संस्करण था इस बार का 6th नंबर का संस्करण था, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। कहां हुआ है आयोजन, तो उमरोई मेघालय में, कहां पे हुआ है, उमरोई मेघालय में हुआ है। आगे चलते हैं, बात करें नसीम अल बहर, अगर नसीम अल बहर की मैं बात करूं तो नसीम अल बहर का मतलब होता है समुद्री हवा। तो ध्यान रखेंगे भारतीय नौसेना और आपके नेवल एक्सरसाइज है, भारतीय नौसेना और आपके ओमान की नौसेना के बीच में, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इनके बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। इसका ये 13वें नंबर का संस्करण था, और ध्यान रखेंगे 19 नवंबर और 24 नवंबर के बीच में हुआ था ये 2022 को। कहां पे हुआ था, ओमान के तट में, भारत में नहीं, ओमान के तट में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए ये 15वां नंबर का अगर मैं बताऊं तो हरिमौ शक्ति युद्धाभ्यास, किसके बीच में, इंडिया एंड मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया मलेशिया आपका क्या है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन था आपका 2022 में, कौन सा हुआ था आपका 2022 नवंबर में आयोजित किया गया था, उसका 11वां संस्करण था ये। कहां पे हुआ था, तो मलेशिया के क्लोंग स्थित पुलाई में हुआ था, क्लांग स्थित, कहां पे, मलेशिया के क्लांग स्थित पुलाई में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे ये वार्षिक प्रशिक्षण है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। यहां पे गढ़वाल रेजिमेंट, भारत के गढ़वाल रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था, और कहां का, यहां का, अगर मलेशिया की बताऊं तो मलेशिया की रॉयल मलय रेजिमेंट ने लिया था। हरिमौ शक्ति अभ्यास भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाता है, और इसी का ये उद्देश्य है। इस तरह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। आगे अगर मैं युद्धाभ्यास के बारे में बात करूं तो अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास है। अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास क्या है, अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास बेसिकली क्या होता है कि सिंगापुर और भारत के बीच में, देखो यहां पे मैंने लगा भी दिया है, तो सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। ध्यान रखना कौन सा संस्करण था ये संस्करण आपका 12वें नंबर का था, 12वें नंबर का था। कब आयोजित किया गया था आपके 2022 में, नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था। कहां पे आपके,
महाराष्ट्र के देवलाली में, और कौन सा रेंज था, फील्ड फायरिंग रेंज आपका देवलाली था जो महाराष्ट्र में है। चले आगे, अगर मैं बात करूं सी ड्रैगन युद्धाभ्यास की, तो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास जो होता है आप देख लेंगे यहां पे एक्सरसाइज सी ड्रैगन आपके 2023 में कब आयोजित किए गए थे, आपके मार्च 2023 में, अभी इसी मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया है। कैसे देखेंगे, क्यों, कौन कौन आपके राज्य हैं, तो मैं बता दूं आपके यूएसए है, यूएसए के साथ साथ आपका इंडिया है, इंडिया के साथ साथ आपका कनाडा है, कनाडा के साथ साथ आपका क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका जापान भी है, और जापान के साथ साथ आपका साउथ अफ्रीका भी है। यानी यूएसए, अमेरिका, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इसमें क्या है आपके, बेसिकली ये पनडुब्बी का है, क्या है आपका, संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। और यह कब हुआ था, आपके मार्च 2023 में इसका आयोजन किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या है, चीन तथा उत्तर कोरिया के खतरों से निपटने के लिए देशों के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए, चीन और उत्तर कोरिया से जो आपके इनका डर है, जो इनके खतरे हैं, उनके खतरों से निपटने के लिए और इसको इसके गठबंधन को मजबूत करने के लिए इसका बेसिकली यूज किया गया है। तो ये आपका आज का सीरीज रहा, तो इस सीरीज को आप ऐसे ही देखते रहें, और भी इसमें आपके और भी अच्छे अच्छे सीरीज को लेकर के आऊंगा मैं। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस चीज को जितने भी आपके इस करंट अफेयर की सीरीज शुरू कराई जा रही है उन सभी चीजों को जरूर शुरू करें। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।